जैक आगे पूछता है कि जेन वो मॉन्स्टर कैसा है। तब जेन बताती है कि वो पूरी तरह से इम्यून नहीं है, रेन ने उस पर भी असर किया है, वो उसे भी वीकन कर रही है, लेकिन मैन थिंग को उसकी पावर सीधे अर्थ से मिलती है, तो वो खुद को हील कर रहा है और उन घावों की भरपाई कर रहा है इससे पहले कि रेन उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दे। तब डॉक्टर मिचेल मॉर्बियस जैक से कहते हैं, जैक ऊपर जाओ और देखो कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, ये जगह वैसे तो टाइट लग रही है लेकिन फिर भी चेक कर कराओ। तब जैक ऊपर जाता है चेक करने के लिए, तभी डॉक्टर मॉर्बियस को कॉल आता है जो कहता है आर्मर सेंट्रल कमांड टू डॉक्टर मॉर्बियस, और लिटिल स्काई पूछता है, मिचेल बताओ वहाँ पर क्या हो रहा है, मैं डायरेक्टर लिटिल स्काई बात कर रहा हूँ। लिटिल स्काई आगे कहता है, टाइनो की सेटेलाइट इमेजेस बता रही है कि तुम मेजर प्रॉब्लम में हो। तब मॉर्बियस कहता है, हाँ ये वायरस म्यूटेट होकर एयरबॉर्न स्ट्रेन बन चुका है। तब लिटिल स्काई आगे कहता है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, अगर उस क्लाउड ने टाइनो का कोर्स छोड़ दिया और जेट स्ट्रीम में दाखिल हो गया तो ये ग्लोबल महामारी बन सकती है। हमारे कंप्यूटर मॉडल्स ये शो कर रहे हैं कि तुम्हारे पास लगभग 1 घंटा है ये सब रोकने के लिए, वरना तुम जानते हो हम क्या करेंगे। तब मॉर्बियस कहता है, चार्ल्स नहीं, वहाँ पर इनोसेंट पीपल्स है, उनकी लाइफ के बारे में तो सोचो। तब मॉर्बियस कहता है, तुम्हें पता है ये कॉन्टिजेंट कैसा है मिचेल, और मुझे पूरे प्लान के बारे में सोचना है, अगर तुम टाइनो को नहीं बचा पाए तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी सिवाय इसके कि न्यूक्लियर स्ट्राइक करे, और मुझे ऑलरेडी गवर्नमेंट से ऑर्डर मिल चुके हैं एवैक्यूएट करने के। तब दूसरी तरफ कोस्ट पर हम देखते हैं, जॉम्बी डेडपूल कुछ लोगों को देखकर हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। तब उन लोगों में से एक कहता है, डरने की जरूरत नहीं है सिटीजंस, अब तुम लोग अंडर प्रोटेक्शन हो ऑगरे रिजर्वायर और लाइटनिंग फिस्ट के, जो कि मेंबर है हाईली ट्रेंड सुपर सिक्योरिटी फोर्स जो है रॉक्सन ब्लैकरिज, और हम यहाँ पर आए हैं डिफेंड करने प्रॉपर्टी सैंडल रिजॉर्ट कॉरपोरेशन की, और जो भी तुम्हारे लिए आएगा हम उसे रोक देंगे। और ऑगरे पूछता है, तुम्हें किसी मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी सिटीजन? तब डेडपूल कहता है, मेरे लिए एक परबन ले आओ, लेकिन तभी वो इन्फेक्टेड क्लाउड आकर उन तीनों को भी मार देता है, और तब डेडपूल देखता है मैन थिंग को उसकी तरफ बढ़ते हुए, जिस पर वो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, जबकि मैं देख रहा हूँ फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी कुछ चीज़ इसमें से भी सरवाइव करके बच सकती है। डेडपूल आगे कहता है, ये क्या है सिमन, मुझे इस बारे में कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं मैं ऐसे डोरमेट की तरह तो नहीं रह सकता। और जोश में आकर कहता है, तुम सही थे, अब मैं और मिस्टर नाइसहेड का काम नहीं करूँगा, मैं भागने नहीं वाला, मैं यही रहूँगा और फाइट करूँगा। तभी दूसरी तरफ उस बारिश में कुछ सुपर ह्यूमंस के पार्ट्स इकट्ठे होकर एक बॉडी फॉर्म लेती है जो कहती है ट्रूथ जस्टिस और कॉर्पोरेट वे, और वो बॉडी मैन थिंग को मारने लगती है। तब जेन से कोई पूछता है कि क्या हो रहा है जेन, तब जेन बताती है वो क्लाउड उसने पार्ट्स लिए सुपर ह्यूमन से, और वो उसे किल करने के साथ साथ खुद को स्टेज भी कर रहा है एक साथ। नहीं रुको, वो क्लाउड नहीं है, मैं सेंस कर रही हूँ किसी और माइंड को उसके साथ कम्युनिकेट करते हुए, और वो किसी तरह से उसके मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट्स कर रहा है। मैन थिंग उस ज़ॉम्बी से लड़ रहा था, तभी वो ज़ॉम्बी एक पोल तोड़कर मैन थिंग के आर पार कर देता है, लेकिन मैन थिंग वो पोल तोड़ देता है। तब जेनिफर केल आगे कहती है, मैं विश कर रही हूँ कि मैन थिंग अपना बर्निंग टच इस्तेमाल करे, लेकिन रेवेनेंट उससे घबरा ही नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से से भरा हुआ है। वो ज़ॉम्बी मैन थिंग को उस पोल से पकड़कर ग्राउंड से हटाकर ऊपर पकड़ लेता है। तब ये सब देखकर जेनिफर केल कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उस बदसूरत चीज ने फिगर आउट कर लिया है, वो चीज और बारिश एक साथ काम कर रहे हैं। तब कोई पूछता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तब मैन थिंग से जुड़े होने के कारण जेनिफर केल उससे कहती है, तुम कर सकते हो, जल्दी से जल्दी ग्राउंड पर नीचे आओ, यही एक चीज है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है उस रेन से। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब तक मैन थिंग मर जाता है। ये देखकर जेनिफर केल कहती है, नहीं अब बहुत देर हो चुकी है। तब जेनिफर केल कहती है, नहीं वो मर चुका है, मैन थिंग अब मर चुका है। तब मॉर्बियस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कहती है, नहीं ये सब मेरी ही गलती है और तुम चुप करो, अगर तुमने वो यकीनी नहीं लाई होती तो ये सब। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अकेली रहना चाहती हूँ। तब मॉर्बियस वहां से नर्वस होकर चला जाता है, लेकिन पीछे से जैक कहता है कि क्या हुआ किडो, कौन मर गया? तब जेनिफर केल कहती है, जैक सब कुछ जा चुका है, सब कुछ गलत हो रहा है और कुछ नहीं बचा। तब
जैक कहता है नहीं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा जेनी गर्ल। और वो आगे कहता है, याद है कैसे डॉक्टर ने हमें अपने वेकिनी के साथ धब्बा लगाया था जो हमें डिसीज के दौरान बचा सकता था। तब वो देखती है जैक को जॉम्बी बने हुए जो कह रहा था, और उसने मुझे उस चीज में बदल दिया जिससे हम डर रहे थे। अब मुझे तुम्हें दिखाने दो कि हंगर क्या है, ये ग्रेटेस्ट फीलिंग है इस दुनिया की। तब उससे डर कर जेनिफर केल चिल्लाती है डोरमामू। तब द हुड बाहर नाइट शिफ्ट को जॉम्बी बना देखकर कहता है, सिचुएशन तो बद से बदतर होती जा रही है, कुछ करो। तब मिशेल मॉर्बियस आर्मर को कॉल कर कहता है, यह डॉक्टर मॉर्बियस टू आर्मर सेंटर कमांड। तब वहां से रिप्लाई आता है, कहिए डॉक्टर, हम आपको सुन रहे हैं। तब मिशेल मॉर्बियस जवाब देता है, मिशन अबॉर्ट कर दो, मैं फेल हो चुका हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ टेलीपोर्टर एक्सटेंशन की T-5 मिनट्स में, और डायरेक्टर लिटिल स्काई को कहो कि प्रोसीड करे ऑर्बिटल स्ट्राइक। लेकिन तभी उसके कम्युनिकेटर पर एक बीम आकर लगती है और आवाज आती है, नहीं रुको, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। तब मॉर्बियस देखता है जेनिफर को जो लगभग एक रियल विच दिख रही थी और कह रही थी, मैंने पूरा कंट्रोल ले लिया है नेक्रोटिक मिस्ट का जो मेरे लॉर्ड डोरमामू ने मुझे दिया है इस सब पर डोमेन करने के लिए।